हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे लाल मिट्टी के बारे में बात करेंगे। आपने नोटिस किया होगा, जो आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं उसमें किसी किसी में लाल मिट्टी का यूज़ किया जाता है। जो पुणे और बेंगलोर की साइड से प्लांट आते हैं उसमें लाल मिट्टी का यूज़ किया जाता है, पौधों को लाल मिट्टी में लगाया जाता है। ये लाल मिट्टी में जब आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये कीचड़ जैसी हो जाती है, और कम पानी डालते हैं तो ये ठोस पत्थर के जैसी हो जाती है, तो इसलिए ये प्लांट के लिए हार्मफुल है। नर्सरी वाले लोग इसमें परलाइट मिला के रखते हैं, क्योंकि परलाइट नमी को बना के रखता है, इसलिए प्लांट नर्सरी पे बहुत अच्छा रहता है, और जब आप उसको घर ले आते हैं तो वो प्लांट मरने लगता है। तो इसलिए जब भी आप प्लांट घर लेके आएँ उसको रिपॉट कर लें, अगर उसमें लाल मिट्टी लगी हुई है तो उसके लिए हमने पॉटिंग मिक्स बनाया है, जो 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल है, 40% काउ डंग है और 20% रिवर सैंड है। रिवर सैंड ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बना के रखती है, इसलिए हमने इसमें रिवर सैंड यूज़ की है। अब प्लांट को इसमें रिपॉट कर देंगे और पूरे अच्छे से एक बार इसमें पानी भर देंगे, क्योंकि पानी भरने से जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो बाहर निकल जाती है मिट्टी की। पूरा पानी फुल भर देंगे और इसे कुछ दिन के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए इसे छाया में रख देंगे, और फिर बाद में आप इसको किसी भी अच्छी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे अच्छी सनलाइट आती हो 4 से 5 घंटे की। इसमें अच्छे से पानी भर देंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे। तो लाल मिट्टी जो है इसको आप हमेशा अपने प्लांट पे से हटा दें, लेकिन इसको अब यूज़फुल कैसे बनाया जाए तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कितनी कठोर हो गई है। तो परलाइट इसमें नमी बना के रखता है, इसलिए इसमें नर्सरी वाले लोग परलाइट मिला के रखते हैं। तो अब इसके मिक्सचर को हम बनाएंगे। ये 40% लाल मिट्टी है, उसमें 25% हमने इसमें रेत मिलाया है जो रिवर सैंड होता है, और इसमें काउडंग भी मिलाएंगे, क्योंकि काउडंग से ये फर्टिलाइज हो जाएगी अच्छे से। यानी कि 40% लाल मिट्टी में 25% रिवर सैंड और 25% काउडंग, अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब ये मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी बन जाएगी, और 10% अगर नॉर्मल गार्डन सॉइल है तो आप इसमें मिला दें। तो लाल मिट्टी हार्ड होती है, इसलिए हमने इसमें ये सब चीज़ें मिलाई हैं। ये हमने इसमें बोन मील मिलाया है। अगर आप हिबिस्कस के लिए ये मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें बोन मील ना मिलाएं। अगर आपके पास बोन मील नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो इसको हमने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें वुड ऐश मिला दी है, क्योंकि वुड ऐश प्लांट में फंगस नहीं लगने देती है, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी वुड ऐश मिला दी है। एक मुट्ठी के लगभग आप इसमें वुड ऐश मिला दें। अब ये मिक्सचर रेडी है, बिल्कुल एकदम भुरभुरी मिट्टी बन गई है ये। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल बटन से आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो जो हार्ड मिट्टी थी लाल, उसको हमने देखिए कितना सॉफ्ट बना लिया है। अब इसमें कोई भी प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।